सीधी वो होता सा ये होता जो सामने वो जे गुमचे देनी थी उन तोता चोट टाप था। हां हां साथ भाई इतना कितना टाइम लग रहा है तो लग रहे नहीं कि पैदल ते नहीं करते लग रहे ट्रैक एंड ठीक है आज से लाके दे लो माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी। देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है। आज हम सारे इधर पहुंचे हैं माशाल्लाह जो बिस्मिल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो इनकी हेल्प की जा रही है। ये एक गरीब फैमिली है कलसूम फैमिली का नाम है इनका चैनल भी है और आपकी साहिदा चेयरपर्सन और साबर भाई और हलाल सिस्टर अदील सरवर्दी हमारे साथ हैं। आज हम उनको घर के लिए पैसे देने के लिए आए हैं। आप बहन भाइयों की ये मैं दिखा रहा हूँ ये उनका घर है। ये देखिए ये रोड बहुत ही बुरा रोड है बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं। ये देखिए ये नीचे उनके घर हैं बहुत ही खस्ता हालत है। अल्लाह पाक इन पे करम करे हमारा आना अल्लाह पाक कबूल करें। तो ये मैं अपने भी आपको सबको दिखाऊं और दिखा रहा हूँ कि यहाँ तकरीबन लोग ऐसे ही हैं लेकिन इनकी हालत बहुत खस्ता है। ये देखिए मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ। ये देखते हैं कि भाई ये देखें ये वाला घर है ना जी इनका इधर वाला घर है इनका। हाँ ये देखें ये जिनका घर है वो सामने एक खड़ा हुआ है उनका घर का मोबाइल जो कहते हैं कि जिनके कद छोटे हैं तो अल्लाह पाक इन पर करम करे अल्लाह पाक हमारी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। बस प्यारे बहन भाइयों ऐसे ही गरीबों की मदद करो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज हम कुछ लोग कहाँ से आए हैं कुछ लोग कहाँ से आए हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तौफीक दी आज हम इनको घर बनाने के लिए पैसे देंगे और जो भी हमने बहन भाइयों ने इकट्ठा किया इनके लिए ये घर बनाएंगे इंशाल्लाह। जब घर बनेगा तो आपको दुआएं मिलेंगी अल्लाह पाक आप पे कर्म करेंगे। मैं ज़रा बड़े आराम से उतर रहा हूँ नीचे बहुत ही ख़तरनाक है। बेटा आप आ गया ना ज़रा ऐसे बस बस ये देखें ये बड़ी मुश्किल से उतर रहे हैं अल्लाह पाक हमारा आना कबूल करे और जिनके लिए हम आए हैं। ये देखें जी ये घर की हालत है ये देखें यहाँ इंशाल्लाह नया घर बनेगा अल्लाह के हुक्म से बनेगा। हमारे आपी जो हैं अल्लाह उनको बहुत दे और हमारे दिल भाई जी सामने खड़े हैं अभी वज़ू करने लगे हैं नमाज़ पढ़ेंगे ये भी आए हुए हैं तो ये अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए और अमानत देने के लिए। तो अल्लाह से दुआ है या रब्बुल आलमीन हमारी ये हाज़िरी मंज़ूर मकबूल फरमाए। तो ये घर इनका बना हुआ है जी। ये इनका घर जो है शुरू हुआ था लेकिन किसी वजह से मुकम्मल ना हो पाया और आज इंशाल्लाह बहन भाइयों की मदद से बहन भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा और ज़रूर होगा। बाकी वीडियो हम बाद में दिखाते हैं आपको। तो मैं ये देखें मैं अभी बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ आपने चैनल पे जो देखा वो तो शायद कैसा होगा मुझे नहीं पता लेकिन ये मैं बिल्कुल ये मैं देखें ये उनका घर है ये कच्ची दीवारें लकड़ियाँ हैं यकीन करें बात बहुत बुरी है करनी नहीं चाहिए। हम अपने घरों में कितने बंगलों में सोते हैं बड़े बड़े घरों में रहते हैं हमारे जानवर कुत्ते बिल्ले जो है ना इतने अच्छे अच्छे घरों में इतने प्यारे प्यारे कमरों में रहते हैं तो क्या हम ये नहीं सोच सकते ये हमारे गरीब भाई किस तरह रह रहे हैं। तो खुदा रहा सबसे इल्तिजा है कि जहाँ जहाँ भी हैं ऐसे बहन भाइयों की ज़रूर मदद करें और मदद करते रहें आपकी मदद रह गया नहीं जाएगी इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है। जज़ाकअल्लाह खैर और बाकी में इंशाल्लाह देख देख अंदाज़ा लगाएंगे सामने आपको रोशनी नज़र आ रही है टूटा हुआ है ये घर ना तो किसी टाइम भी गिर सकता है लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया हुआ इन पर और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी अल्लाह ने तौफीक दी तो हम सब इधर आए हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अपने घर में ये जो घर तैयार हो रहा है इसमें शायद शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने चाहा था। तो वैसे ये इलाका बहुत अच्छा है ये दूर दूर तक देखें कितने प्यारे पहाड़ हैं वो देखें सब लोग आबाद हैं पहाड़ों पे आबाद हैं। हम यकीन करें कि मैं अल्लाह को हाज़र नज़र जान के कहता हूँ कि इस मकाम पे पहुँचने के लिए हमारा अल्लाह जानता है कि हम कैसे पहुँचे। तो ये बेचारे रोज़ाना इनका कोई अगर बीमार हो जाए या कोई मसला हो तो ये कैसे जाएँगे। तो अल्लाह पाक हमारी हुकूमत को भी हदायत दे इन लोगों का ख्याल करे यहाँ सड़क बननी चाहिए इनके बच्चे हैं जब ये बीमार हो जाते हैं तो बेचारे हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ अगर मेरी आवाज़ पीटीआई का
कोई भी मेंबर या इमरान खान सुन रहे हैं तो खुदारा इस इलाके का विज़िट करके यहाँ सड़क ज़रूर बनाएं। लोग बड़ी मुश्किल में इंशाल्लाह ज़िंदगी मेरी रही थी, इनकी आवाज़ में इंशाल्लाह ऊपर तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदरुस्ती दे, आमीन। तो ठीक है जी, बाकी अभी जो बाकी लवाजमात है वो अभी हम करते हैं। अभी जी हमारे कुलसूम फैमिली के जो बड़ा बेटा है वो अभी तलावत कलाम में बात करेगा। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم آمين جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله